हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरु जी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, HSSC आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आई है। जो हटाए गए कैंडिडेट थे उनको क्या है, एक और झटका लगा है, तो पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं, हटाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरों और शिक्षकों को झटका, नई भर्ती तक सेवा में रखने की थी अपील, वो आपकी खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता के आधार पर खंडपीठ ने 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी है, और इन शिक्षकों ने नियमित भर्ती होने तक उन्हें शिक्षण कार्य करते रहने की अपील की थी और हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। एकल पीठ ने इस शिक्षकों की मांग पहले ही खारिज कर दी थी। अपील दायर करते हुए धर्मेंद्र व अन्य ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर 816 पद थे जो 2006 में आवेदन मांगे गए थे, और जुलाई 2008 में परीक्षा की तारीख तय की गई थी और इसके बाद इंटरव्यू की तिथि हुई थी, और इन सब के बीच आयोग ने फैसला बदलकर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों से 8 गुना आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का निर्णय लिया, और इसके लिए सभी आवेदकों को बुलाने की राय बनी। और सिंगल बेंच में भर्ती में असफल रहे आवेदकों की याचिका सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से आयोजित करने का आदेश दिया, और इस आदेश के खिलाफ अपील को खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। यानी जो हटाए गए कैंडिडेट है उनको एक बड़ा झटका लगा है कोर्ट की तरफ से। यानी उन्होंने याचिका लगाई थी कि उन्हें जब तक नई भर्ती ना हो जाए तब तक क्या है उन्हें काम पर जाने की अनुमति मिले, तो वो क्या है हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। ये अपडेट थी आप सभी के साथ शेयर करनी थी, और ये अपडेट आपको अच्छी लगी बुरी लगी भाई वो तो मेरा काम तो है अपडेट देना, ठीक है, और लाइक और डिसलाइक का आपका काम है भाई। जो भी आपको जिनको झटका लगा वो तो हो सकता है डिसलाइक ही करे भाई, वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये अपडेट थी, और अपडेट अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, या फिर आपको पता ही डिसलाइक आप कर ही सकते हैं। धन्यवाद।